वेलकम टू आवर YouTube चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व टॉपिक के बारे में। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं ह्रास। जो हमारी फिक्स एसेट होती है उसको हम, जो हमारी स्थायी संपत्ति है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने से, उसमें जो वियर एंड टीयर, उसके यूज़ करने से, टाइम स्पेंड होने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसकी वैल्यू में जो डिप्लीशन होता है, डिक्रीज होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉर्मली इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस फिक्स एसेट आर यूज। फिक्स एसेट को हम यूज करते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, व्हीकल है। दीज एसेट आर परचेज फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में इनकम जनरेट करने के लिए ये एसेट परचेज की जाती है। इन एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है उनके कंटिन्यूस यूज से, लगातार प्रयोग करने से उनकी वैल्यू कम होती जाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। जो स्थायी संपत्ति को प्रयोग करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं ह्रास, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और हम हमारे बिजनेस के एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए, उसकी ट्रू पोजीशन को जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। आरएन कार्टर ने कहा है डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। डेप्रिसिएशन लगातार धीरे धीरे स्थायी रूप से किसी भी स्थायी संपत्ति की वैल्यू में जो कमी आती है, चाहे वो किसी भी कारण से आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जे आर बार्टली बॉय सेड इट इज द मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट ऑल द फिक्स एसेट सच एज द प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा ग्रेजुअली डिमिनिस इन द वैल्यू एज दे गेट ओल्डर एंड बिकम वॉर्न आउट बाय द कॉन्स्टेंट यूज इन द बिजनेस। जो हमारी स्थाई नेचर की संपत्ति है, प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उनकी वैल्यू में धीरे धीरे कमी आती जाती है। जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। उनके लगातार प्रयोग करने से बिजनेस में उनकी वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को हम ह्रास डेप्रिसिएशन बोलते हैं। विलियम पिकल्स सेड दैट डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइन एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिमिनिशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ द एसेट। वस्तु के प्रयोग करने से समय गुजरने के साथ उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसकी गुणवत्ता में जो कमी आती है, उसकी संख्या, उसकी क्वांटिटी में जो कमी आती है या उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या फीचर्स हैं डेप्रिसिएशन की?
डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी स्थायी संपत्ति है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन इज यूज फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो हमारी जो टेंजिबल फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसके लिए यूज किया जाता है. देयर इज परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण स्थायी संपत्ति की वैल्यू में स्थायी रूप से कमी आती है. वंस द डेप्रिसिएशन इज चार्ज इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट परमानेंटली, जैसे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस एसेट की वैल्यू स्थायी रूप से परमानेंटली डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. द वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग लैंड डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यू टू द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हमारी भूमि है उसके अलावा जितनी भी हमारी स्थायी संपत्ति है उनका लगातार प्रयोग करने से उनके मूल्य में कमी आती है और उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसी को हम चार्ज करते हैं उस डेप्रिसिएशन को, तो उससे उसकी वैल्यू में कमी आती है सिवाय भूमि के, सिवाय लैंड के. डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ नॉट ऑफ वैल्यूएशन. डेप्रिसिएशन वो प्रक्रिया है जिससे हम उसकी वैल्यूएशन को केवल एलोकेट ही नहीं करते, उसकी वैल्यू को जो कम होती है वो भी हम करते हैं. डेप्रिसिएशन वर्ड हमेशा यूज नहीं किया जाता, जो वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होती है उसके लिए हमेशा नहीं यूज किया जाता, बट मैनी टाइम्स एसेट डज नॉट रिमेन फॉर द यूज ऑफ द बिजनेस. कई बार एसेट किसी भी कारण से ऑब्सिलेंस हो गई, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, उसके कारण हम उसका प्रयोग बंद कर देते हैं, तो उस दशा में डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज हम नहीं करते. क्या कारण होते हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगता है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. अर्निंग कैपेसिटी है एसेट की, उसका कॉन्स्टेंट यूज होता है, तो उसको जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका यूज होता चला जाएगा वो ज्यादा रिपेयर मांगने लग जाएगी, उसकी जो अर्न करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. उस प्लांट, उस मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर या जो भी अन्य स्थायी संपत्ति है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है कॉन्स्टेंट यूज करने से, तो इसीलिए हम उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. आप कभी भी कोई भी एसेट ले लीजिए, आप ले आए उसको मार्केट से और फिर अगर उसी को सेम डे भी अगर सेल करने लगोगे तो हो सकता है वो सेम अमाउंट की सेल ना हो, क्योंकि आपका टाइम स्पेंड हो गया, कुछ आपने उसको यूज कर लिया, उसमें वियर एंड टीयर आता है, उससे उसकी वैल्यू कम होती है उसका कॉन्स्टेंट यूज से, तो इस कारण से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. इफेक्ट ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे वैल्यू उसकी कम होती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, वेदर द एसेट इज यूज्ड इन द बिजनेस और नॉट, चाहे वो बिजनेस में यूज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन टाइम स्पेंट होने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं. ऑन एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, कुछ एसेट का लाइफ टाइम फिक्स होता है, वेदर दे आर यूज इन द बिजनेस और नॉट, चाहे हम उनको यूज करें या ना करें. ट्रेडर ने कोई एसेट परचेज की है 20 ईयर के लिए, लीज पर ली है 10 लाख रुपीज में, चाहे आप उसको 20 ईयर तक यूज करो या ना करो, 20 ईयर्स के बाद वो एसेट आपसे चली जाएगी, तो इसलिए भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. लीगल राइट आपका एक्सपेंड हो जाएगा इसलिए उस लीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो आपकी एसेट की वैल्यू 50,000 एनुअली हर साल डिक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. एक्सीडेंट है, वैल्यू ऑफ एसेट आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द एक्सीडेंट, फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है,
इनके कारण उसमें मिस हैपनिंग हो गई तो इससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए भी डेप्रेशन लगाया जाता है। ह्यूमन मिस्टेक, द वैल्यू ऑफ एसेट आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक, जो मानवीय गलतियां हैं उनके कारण भी उसमें टूट फूट हो गई, उसमें वियर एंड टीयर आ गया, तो उसकी वैल्यू, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, तो इस कारण से भी हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं। ऑब्सोलेंस, ड्यू टू द न्यू एक्सपेरिमेंट ओल्ड एसेट्स डू नॉट रिमेन यूजफुल एंड देयर वैल्यू डिक्रीजेस, पुरानी जो संपत्ति है वो यूजफुल नहीं रहती, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो इस कारण से भी हम डेप्रिएशन लगाते हैं। फॉल इन द प्राइस, द वैल्यू ऑफ एसेट्स आल्सो डिक्रीज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, एंड इफ दिस इज फॉल इन द परमानेंट, दिस इज अज्यूम टू बी द डेप्रिएशन। अगर संपत्ति है उसकी स्थायी संपत्ति है, मार्केट वैल्यू के कारण भी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, अगर मार्केट वैल्यू उसकी परमानेंटली कम हो गई तो उसको भी हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं, उसको भी डेप्रिएशन बोलते हैं। डिप्लीशन है, सम एसेट्स गेट डिप्लीटेड थ्रू वर्किंग ड्यू टू देयर लिमिटेड क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स डिक्रीजेस, जैसे माइन है, ऑयल वेल है, तो जैसे जैसे उनका प्रयोग करते जाते हैं, उनमें से एसेट हमने निकाल के यूज कर ली, उनमें से गुड्स को निकाल के यूज कर लिया, कोयल माइन है, कोयला हमने यूज कर लिया, तो धीरे धीरे उसमें कोयले की क्वांटिटी कम होती जाती है, इस कारण से भी हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है डेप्रिएशन लगाने की? टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमने स्थायी संपत्ति खरीद ली, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, दैट इज आवर एक्सपेंस, दैट इज द लॉस फॉर द बिजनेस, दैट इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, अगर हम वो चार्ज नहीं करेंगे उस टाइम पीरियड के प्रॉफिट से, तो हमारा ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक एक्सपेंस को छोड़ दिया है, तो ट्रू प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए हमें डेप्रिएशन चार्ज करना जरूरी है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें मशीनरी यूज हो रही है, उस मशीनरी का जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसमें वियर एंड टीयर आ रहा है, उसको एक टाइम के बाद हमें रिप्लेस भी करना है, अगर हम उस डेप्रिएशन को उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, हमारे उस एसेट की प्रोडक्शन की सही कॉस्ट को, वो ट्रू कॉस्ट को वो नहीं दिखाएगा, तो हम गलत प्राइस चार्ज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका बिजनेस में लॉस बियर करना पड़ सकता है, इसलिए भी डेप्रिएशन लगाना जरूरी है। इकोनॉमिक पोजीशन बिजनेस की, जब हम आर्थिक परिस्थिति दिखाते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से, अगर हम स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिएशन नहीं लगाएंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी बनी रहेगी, और वो बुक्स में ज्यादा वैल्यू पर, जबकि एक्चुअल वैल्यू उनकी कम है, तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर पोजीशन बिजनेस की रिप्रेजेंट नहीं करेगी, और ट्रू बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन को नहीं दिखाएंगे, उसके लिए भी हमें डेप्रिएशन फिक्स एसेट पर लगाना जरूरी है, इसलिए हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं डिफरेंट एसेट पर। अरेंजमेंट ऑफ फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अब एक टाइम पीरियड आएगा उसके बाद हमें उस एसेट को रिप्लेस करना होगा, उस स्थायी संपत्ति को, उस स्थायी फिक्स एसेट को हमें रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की जरूरत पड़ेगी, उन फंड्स को अरेंज करने के लिए भी हम डेप्रिएशन लगाते हैं, ताकि प्रॉफिट का एक पार्ट जो उसके ऊपर एक्सपेंड हुआ है, जैसे जैसे वो है वो इकट्ठा होता चला जाता है, और जिससे हम उस एसेट को, जो उसका लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, एकदम से बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन उसको रिप्लेस करने का नहीं पड़ेगा, बिजनेस के लिए एक बड़ी अमाउंट हो जाती है, उसको निकालना एकदम से कठिन हो जाता है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इकट्ठा होता चला गया, तो वहाँ से वो फिर पैसा हम व्यवस्था कर देते हैं, तो बिजनेस की आर्थिक स्थिति पर
बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए भी हमें डेप्रिएशन चार्ज करना होता है, डेप्रिएशन हम लगाते हैं। प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ द कैपिटल, अगर हम डेप्रिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम हमारे लाभ को ज्यादा दिखा रहे हैं, हमारे खर्चों को कम दिखा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि जो हम प्रॉफिट ओनर्स को दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल में से जा रहा है, तो वो भी बैड इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर डालता है, बिजनेस की पोजिशन के ऊपर डालता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 ऑफ द कंपनी एक्ट, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिएशन। कंपनी एक्ट में ऐसा कहा भी गया है कि प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर के अमंग्स में, तो आपको डेप्रिएशन लगाने के बाद ही आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं, और बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा ना दिखा दिया जाए इसलिए, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनर्स के अमंग्स में, तो वो हमारा कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसलिए भी हम डेप्रिएशन चार्ज करते हैं। इनकम टैक्स सेव करने के लिए, बचाने के लिए, डेप्रिएशन इज नॉट अकाउंटेड, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उसके ऊपर जो आयकर लगना है, जो इनकम टैक्स लगना है वो ज्यादा लगेगा। डेप्रिएशन की छूट जो एक्सपेंस है हमारा, वो हमारी इनकम को कैलकुलेट करने में इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, तो अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक ट्रू एंड फेयर प्रैक्टिसेस है, तो उसमें भी हमारा बचत हो जाती है, इसलिए भी डेप्रिएशन लगाना जरूरी है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यूज ऑफ डेप्रिएशन इन द अदर रिलेटेड वर्ड्स, कुछ अन्य वर्ड यूज किए जाते हैं डेप्रिएशन के लिए, तो वो क्या है, सम सिनोप्सिस टर्म्स आर यूज फॉर द डेप्रिएशन, सिनोप्सिस यूज किए जाते हैं विद एक्सप्रेस टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो क्या है, डेप्रिएशन। डेप्रिएशन जैसा कि हमने बताया, जो एसेट फिजिकल एसेट है, जो हमारी टेंजेबल एसेट है, उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारा डेप्रिएशन है। एक वर्ड है अमोर्टाइजेशन, हिंदी होती है अपलेखन, जैसे हमारी गुडविल है, इंटेंजेबल एसेट है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, एटसेट्रा, इन इंटेंजेबल एसेट पर जो उनकी वैल्यू कम हो रही है उसको हम चार्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। डिप्लीशन, दिस टर्म इज यूज टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोयल माइन का हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, ऑयल वेल का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उनकी एसेट्स को जैसे जैसे हम गुड्स को निकालते जाते हैं वैल्यू में कमी आती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। तो मीनिंग एक है, अर्थ एक है, लेकिन अलग अलग फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे टेंजेबल के लिए डेप्रिएशन, इनटेंजेबल के लिए अमोर्टाइजेशन, और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसके लिए हम डिप्लीशन वर्ड का यूज़ करते हैं। एक डिलपीडेशन, सम टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज ओनर डिमांड दैट द एंड ऑफ लीज एसेट शुड बी इन द सेम कंडीशन, वो सेम कंडीशन में होनी चाहिए, कि उसने हमारे को जो एसेट दी थी वो उसी हालात में ले लेगा, आप चाहे कैसे भी उसको यूज करो, जैसी वो बिगिनिंग ऑफ द लीज थी। इस पर्पज के लिए लीज होल्डर ऑफन सेट सम अमाउंट ईच ईयर, तो वो कुछ अमाउंट उस पर स्पेंड कर देता है ताकि वो जब उसका लीज समाप्त हो तो उसी हालात में वो एसेस्ट बनी रहे। रिपेयर एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर आर अमाउंट टू दिस, तो जो अमाउंट इसमें से उसकी उसी हालात में लेके आने के लिए एक्सपेंड की जाती है, तो दिस पेमेंट ऑफ रिपेयर इज नोन एज डिलपाइडेशन, तो उसको डिलपाइडेशन हम बोलते हैं। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज फॉर द डेप्रिएशन, एक्चुअल में तो वो डेप्रिएशन है, कॉन्सेप्ट तो डेप्रिएशन है, लेकिन अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, तो इन वर्ड्स का भी आपको मालूम होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर है फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिएशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेप्रिएशन की अमाउंट को डिसाइड करते हैं, तो उसमें है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट
ओनली कॉस्ट ऑफ एसेट इज नॉट एडिड बट ऑल द सच एक्सपेंसिज आर ऑल्सो एडिड विच आर इनकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द एसेट. जैसा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़ा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ा जब तक कोई स्थायी संपत्ति हमारे लिए प्रयोग में नहीं आ जाती उसके ऊपर किया गया सारा एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में ऐड होता है. तो वही बात कही गई है कि उसकी केवल वैल्यू ही नहीं, उसको इंस्टॉलेशन जब तक वो रनिंग पोजीशन में ना आ जाए तब तक उसके ऊपर किए गए सभी एक्सपेंस को भी उस एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है. ये आपने ध्यान रखना है. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ द एसेट, लाइफ टाइम कितना है संपत्ति का वो भी हमें ध्यान रखना है. एस्टिमेटेड एस्पेक्टेड यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ एसेट इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कितने लंबे समय तक वो चलेगी, उसका लाइफ स्पैन क्या है, वो निकालने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन का निकालने के लिए उस टाइम पीरियड का, उस लाइफ स्पैन का हम प्रयोग करते हैं. लाइफ टाइम ऑफ एसेट इज दैट ड्यूरेशन फॉर विच एसेट वर्क प्रॉपरली. ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हमारी संपत्ति प्रॉपर वर्क करती है. लाइफ टाइम ऑफ एसेट कैन बी कैलकुलेटेड इन द ईयर, वो ईयर्स में, मंथ्स में, वर्किंग आवर्स में, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में, किलोमीटर में, जैसा भी केस है उसकी परिस्थितियों के अनुसार हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तीसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट. इट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट विच कैन बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ एसेट. जैसे ही वो एसेट हमारी एंड हो गई तो एंड होने पर उसका जो स्क्रैप, उसका जो कबाड़ हमारा बचेगा, उसको सेल करने से हमारे को कितनी वैल्यू मिलने की उम्मीद है उसको भी हम कंसीडर करते हैं जब हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को निकालते हैं. फॉर एस्टिमेटिंग द डेप्रिसिएशन दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट. उसकी जो प्रारंभिक लागत हमारी आई थी, हमारी जो इनिशियल कॉस्ट आई थी, उसमें से उस स्क्रैप वैल्यू को हम रिड्यूस करके, डिक्रीज करके, उसको घटाकर जो वैल्यू बचती है और जो हमारा लाइफ स्पैन बचता है उसके अनुसार हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. आई होप आपको वीडियो में डेप्रिसिएशन उसका क्या मीनिंग है, क्या फीचर है, क्यों हम लगाते हैं, क्यों बिजनेस में वो लगाना ज़रूरी है और कौन कौन से फैक्टर उसको इम्पैक्ट करते हैं और अलग अलग क्या नामों से डेप्रिसिएशन को जाना जाता है वो आप लोगों को समझ आए होंगे. वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस टाइम. हैव ए गुड डे.